हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सबूर हसन। कैसे हैं आप लोग? और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे जो ये सेंटीग्रेड कबूतर हैं दोस्तों, इसने दोनों अंडे दे दिए हैं। देखिए, मैं कुछ पेटी भी लाया था, मैंने सोचा था उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी जो कि मैं कल बना था, पर इनने क्या किया, अंडे दे दिए। और इनका भी इरादा कुछ ऐसा ही है। क्या हो रहा है दोस्तों, जो सेंटीग्रेड नर है वो इनके दड़मे में घुस जाता है और काफी परेशान करता है, इससे हमारे एक बार अंडे भी खराब हो चुके। तो मैं सोच रहा था ये सब हटा के दो पेटियां रख दी जाए, एक पेटी में सेंटीग्रेड रख देंगे, इसको बंद करके और लल से रोको कहीं इधर कहीं कर देंगे, वो जब दूसरे कबूतर लाएंगे उनको इधर रख देंगे। पर हुआ क्या, इसने हम अंडे दे दिए तो सेंटीग्रेड नर उसके अंदर जाने लगा और फिर अब ज्यादा लड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई एक और बार देखते हैं। और इनने भी अब अंडे रखने वाली हैं, ये भी कुछ दिनों में, दो एक दिन में अंडे रख देगी, या पता नहीं रख दिए, नहीं अभी तो नहीं रखे, पर एक दो दिन में रख देगी। और इसने दोनों अंडे रख दिए, तो अब मैं सोच रहा हूँ पेटी चेंज नहीं करूं क्योंकि ये शायद अंडे पे ना बैठे। और दोस्तों, छोटी वाले बच्चों को देखिए आप कि ये छोटी दोनों के आ रही है और काफी बेहतरीन है, और ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छा, इनने भी अंडा रख दिया दोस्तों। हमारे दोवास की जो फुल मादी है, फुल वाइट चोटीदार, तो इसने भी आज एक अंडा रख दिया और घोंसला भी तैयार है, तो ये भी कल तक दूसरा अंडा रख देगी। और शौकिया के बच्चे बड़े ही नहीं हो पा रहा है, इतना टाइम हो गया, बहुत ही स्लो बढ़ रहे हैं। चलिए छोड़ो इन्हें दोस्तों, आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आप जानते ही हैं कि भाई काफी लोग भी कल लाइव में कह रहे थे कि भाई जंगली कबूतर दिखाओ, जंगली कबूतर। तो भाई आप वो देखो, वो सुस्त होके बैठा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया यार। अब देखते हैं कैसा क्या है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं कुछ दिन तो खाना खिलाया था मैंने, दो चार दिन चने वने, मैंने वीडियो भी डाला था कि हाउ टू फीड अ बेबी पिजन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों दो चार दिन खिलाया, फिर वो खुद से खाना खाने लगा था, तो खाना तो खा रहा था लेकिन पानी नहीं पी पाता था, तो पानी में पिला देता था। पर क्या हो रहा है कि ये हद से ज्यादा खा रहा है, हद से ज्यादा खा रहा है, तो उससे दो तीन दिन इन्हें हद से ज्यादा अपना पोटला भर लिया। तो मैंने एक दो बार तो कम करा, लेकिन फिर अपन इतना अब देख नहीं पा रहा है कबूतरों को, वीडियो भी नहीं आ पा रहा। तो मैंने देखा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आज इसने एक भी दाना नहीं खाया है, मतलब गले में फंसा के रखा है। तो अब अपन चेक करते हैं कैसा क्या है और इतना परेशान क्यों है। मैंने तो आज इसे पानी भी नहीं पिलाया, देखिए आप गला कैसा कर रहा है, मतलब जैसे उल्टी करने वाला हो। चलिए अब मैं पकड़ के लाता हूँ, फिर अपन देखते हैं कैसा क्या है। दोस्तों थोड़ी बहुत फुर्ती तो है, यही तो जंगली का फायदा है कि ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते। देखिए मैं जा रहा हूँ पीछे, तो ये भागा जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसको पकड़ तो लाया हूँ, अब अपन देखते हैं कैसा है, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है इसको। तो मुझे तो इसका वजन भी पहले से काफी कम लग रहा है, और खाना इसने फंसाया है नहीं फंसाया, मुझे तो लग रहा है फंसाया हुआ है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं बाकी कैसा क्या है। ये देखिए दोस्तों कितना खराब करके रखा है इसने अपना पीछे से, मतलब ये पॉटी कर भी रहा होगा तो शायद इसके चिपक रही है, और शायद पूरी चिपक गई, इससे ये पॉटी नहीं कर पा रहा। हो सकता है इसका पोट जाम भी हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई पोट जाम हो जाना। और उन बाकी कबूतर तो अंदर कुछ खा लेते हैं, बीट वीट तो उससे हो जाता है, लेकिन इसके मुझे लग रहा है इसके बीट फंस गई है बाहर ही, जैसे मुर्गियों के फंस जाती है ना, वो चूजे मर जाते हैं। तो मुझे तो वही लग रहा है दोस्तों कि इसके भी वही कुछ हुआ है, तो अपन को इसे मरने से बचाना है, इसीलिए लाए थे। अपन अपना बेस्ट कोशिश करते हैं भाई ये मरने से बच जाए। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि सरसों का तेल पिलाऊं, क्योंकि जिन भाई ने बताया था कि भाई जंगली कबूतर पकड़ के ले जाओ, उन्हीं से मैंने पूछा था भाई मेरा कबूतर ऐसा ऐसा कर रहा है, तो बोलना है कि भाई सरसों का तेल पिला के देखो। तो हमारा इससे पहले कबूतर सुस्त हुआ था, तो हमने उसे भी सरसों का तेल पिलाया था, तो मैं सोच रहा हूँ इसे भी सरसों का तेल पिलाएं और इसकी साफ सफाई की जाए। दोस्तों ये देखिए ये कितना गंदा कर रहा है, ये पूरी बीट सूख चुकी है, तो इससे भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन कुछ करते हैं और सरसों का तेल पिलाते हैं, फिर एक दो दिन में अगर फर्क दिखता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब तक अभी तो अपन इसको देखभाल के लिए अपन सरसों का तेल पिला देते हैं। दोस्तों सरसों का तेल मैं बाद में पिलाऊंगा अभी, लेकिन मैं पहले पानी लाया हूँ कि इसकी थोड़ी साफ सफाई कर दी जाए। इसको मैं थोड़ा पानी से भिगा रहा हूँ,
फिर मैं क्या करूंगा, एक रुई या कॉटन के टुकड़े से इसको पूरा निकाल लूंगा जब ये नरम हो जाएगा। रुकिए मैं थोड़ा और पानी ले आऊं। दोस्तों मैं और पानी ले तो आया, लेकिन अब मैं और पानी डाल रहा हूँ इसके कि ये थोड़ा नरम हो ये हिस्सा, और फिर मैं कॉटन से आसानी से इसको निकाल लूंगा। देखिए दोस्तों पूरा गीला तो कर दिया है मैंने, थोड़ा नरम भी हुआ है। अब मैं इसको सरसों का तेल पिला देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सरसों का तेल लेने, अभी तो इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों देखिए कबूतर कितना ज्यादा सुस्त हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, अभी कल परसों तक इसकी हालत काफी सही थी। तो चलिए दोस्तों अब मैं ले आया हूँ सरसों का तेल, और ये रहा मेरा सीरिंज जिसको इंजेक्शन बोलता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। भाई थोड़ा ही बोला, इतना सही है और कम ज्यादा है इतना? हाँ दोस्तों देखिए मैंने कितना कम, मतलब 10 या 15% सरसों का तेल ले लिया है। अब मैं अपने कबूतर को पकड़ लाऊं, फिर मैं उसको पिलाता हूँ। दोस्तों मैं अपने कबूतर को पकड़ के ले आया हूँ, और अब मैं इसको पिलाऊंगा सरसों का तेल, क्योंकि इसकी चोंच खोलना है मुझे और इसके अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों एक ही बार में पूरा तेल डाल दिया है, और अभी जितना भाई ने बताया मैं बस उतना ही कर रहा हूँ, उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे भी थोड़ा सा तेल डाल दिया जाए, ताकि ये देखिए थोड़ा थोड़ा तेल निकाल रहा है, ताकि ये पीछे से थोड़ा और ज्यादा नरम हो जाए। तो मैं थोड़ा सा और तेल ले लेता हूँ ताकि वो उसके पीछे डाल सकूं। थोड़ा सा और तेल ले लिए दोस्तों, ये देखिए अब मैं इसके पीछे डाल रहा हूँ ताकि ये पीछे से थोड़ा तो नरम होए। दोस्तों तेल तो इसको डाल दिया, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पानी और पिला दूं इसको, क्योंकि इसने पानी कल शाम से नहीं पिया है, तो पहले मैं पानी ले आता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको पानी पिला रहा हूँ, थोड़ा सा पानी भी ले आया हूँ ताकि, क्योंकि इसको मैंने कल से पानी भी नहीं दिया था, तो चलिए इसको थोड़ा सा पानी दे देते हैं। दोस्तों मैंने इसको अब पानी भी दे दिया है, और जितना भाई ने बताया था मैंने अभी सिर्फ उतना ही करा है। अगर आप लोग कुछ जानते हो कि भाई इसका क्या हो रहा है, मतलब ये गले में खाना अटक रहा है या अंदर नहीं ले पा रहा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज ही ऐसा दिख रहा है मुझे, मैं आज ही इसका ट्रीटमेंट कर लूंगा अगर आप लोग मुझे आज ही कमेंट करके बताएंगे। वो कोशिश करेंगे कबूतर जल्दी से जल्दी सही हो जाए, क्योंकि यार ये अपना भी नहीं है, और लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे दे दो मुझे दे दो, तो भाई अभी तो मैं नहीं दूंगा, और जब ये सही हो जाएगा तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इसको उड़ाना है। तो जब भी ये सही हो जाएगा पूरा और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उड़ा देंगे अपन। ये देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल जंगली जैसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी काफी लगाव हो गया इससे। ये देखिए हाथों पे बैठा रहता है और ज्यादा भागता भूकता भी नहीं है। चलिए मैं इसको इस पे रख देता हूँ, चले जा भाई, काफी सुस्त हो गया है। दोस्तों आप लोग जरूर बताना भाई कमेंट्स में कि भाई इसके जो पीछे इतना सारा बीट चिपक रहा है तो वो कैसे निकालूं, और ये जो इसने गले में खाना फंसाया है वो कैसे निकालूं। बाकी आप लोग ज्यादा जानते हैं भाई, आप लोगों से पूछ के करते हैं ज्यादातर अपन जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि अपन को तो इतना कुछ पता नहीं है। बाकी आई सभी कबूतर जल्दी खोल दिए थे, तो आज सभी मस्त आ रहे हैं, और दाना भी पूरा नहीं खाया सही से। चल भाई चला जा। देखिए दोस्तों ये हाथ भी लगाने देता है, बहुत प्यारा कबूतर है मेरा, जंगली कबूतर। चलिए इसको अब जाने देते हैं अंदर, बाकी इसको आजकल मैं ऊपर बंद कर रहा हूँ थोड़ा अलग। तो यही बताना था वीडियो में, और जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर ये सही जाएगा तो जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए दोस्तों काफी बुरे हाल हैं बेचारे के। चल भाई चला जा, नीचे घूम ले, बाय।